सीपीएम ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में आइंदा लोकसभा इंतखाबात में उम्मीदवार को इलेक्शन में खड़ा नहीं करेंगे, जबकि इनका वोट बीजेपी मुखालिफ होगा और इंडियन अलायंस के लिए होगा। जिले सेक्रेटरी मोहम्मद अब्बास रथर ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में इनका वोट बीजेपी मुखालिफ होगा। अब्बास रथर ने जरा इबला के नुमाइंदों से प्रोग्राम में यूं कहा कि इस बार के जो लोकसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं ये काफी अहमियत के हामिल है। पहले जो हुए हैं इलेक्शन हुकूमतें बनी है, लेकिन इस बार पॉलिटिकल पंडित्स का कहना है कि, और हम भी समझते हैं कि जो इस बार सरकार बनेगी सेंटर में, वो ये तय करेगी कि जमहूरियत रहेगी, जो हमारा आईन है वो रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिए हमने यहाँ पर ये तय किया है कि हम अपना कैंडिडेट कहीं पे भी फील्ड नहीं करेंगे और हमारा ये होगा कि हमारा जो सपोर्ट होगा वो ये देख के होगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्युलर कैंडिडेट कौन सा होगा। हम चाहते हैं कि बीजेपी यहाँ से एक ह्यूज मार्जिन से हार जाए और हमें इस वक्त एक मौका मिल रहा है कि हम उनको एक जवाब दे दें। इसीलिए हमने चाहा कि एक जो एंटी बीजेपी एक जो वोट है वो कंसॉलिडेट हो जाए और हम कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ जो सेक्युलर स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट होगा उसको हम सपोर्ट करेंगे।